स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब आपको क्या निकालना है, एक तो रेशियो निकालना है, ये लाइन सेगमेंट ए और बी किसके डिवाइड हो रहा है, बाई एक्स एक्सिस के द्वारा। तो लेट पी एक्स जीरो, आपको बताया था कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स जीरो बताए थे, और वाई एक्सिस पर लाई करता है तो जीरो वाई बताया था। तो लेट पी एक्स जीरो बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर होता ये पॉइंट बाई द वाई एक्सिस होता तो पी जीरो वाई लेट करते, बात समझ आ गई। अब ये एक्स एक्सिस है तो क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स जीरो बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो के इज टू वन या एम वन इज टू एम टू। तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला बताया था, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट हमें नोन है यानी कि जीरो है, और एक्स कोऑर्डिनेट अननोन, एक्स के लिए कुछ भी हो सकती है, यहां पर 1 2 3 4 5 वन बाई टू थ्री जो भी हो, परंतु यहां पर वाई कोऑर्डिनेट नोन है जीरो। इसलिए पहले रेशियो निकालने के लिए एक एक्स या वाई कोऑर्डिनेट जो भी हमें पता है उसी से रेशियो निकलेगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं तो इससे रेशियो नहीं निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट पता है उससे रेशियो निकालेंगे। y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो y यहाँ जीरो रख दो, एम वन यहाँ पर कितना है, k को किससे मल्टीप्लाई करो 5 से, प्लस एम टू, एम टू कितना है 1 और ये कितना है माइनस 5 वाई वन की जगह माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो जीरो इज इक्वल टू 5 k हो गया, माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 की माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की माइनस 5 हो गया, और 0 के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 के इजल टू प्लस 5 हो गया, k इजल टू 5 बाई 5, k की वैल्यू 1 आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या था आपका, क्या लेट किया था हमने, k इज टू 1, अब k की जगह 1 रख दो, 1 इज टू 1, ये रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। अब ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये और निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ गया, रेशियो इज टू 1:1, तो अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर रेशियो आपका मान लो के की वैल्यू 3 आती तो रेशियो 3:1 आता, तो फिर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते, अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4 अपॉन कितना हो गया 2, तो ये हो गया माइनस 3/2 आ गया। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट आर पी एक्स 0, और एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 3/2, और यहां पर कितना है 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट के कितने आ गए, माइनस 3/2 और 0 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 6 करेंगे, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 6 क्या है, इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। देखो पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए आप, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लो आप, पहले a b c और d, ये पैरेललोग्राम हो गया। a की कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1 और 2, और b की कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4 और y, और C के कोऑर्डिनेट कितने X और 6, और D के कोऑर्डिनेट कितने 3 और 5 आर टेकन इन ऑर्डर, बताया गया है एक ऑर्डर के अंदर रहेंगे इसको 3 और 5, ये हो इसकी। अब हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब आपको प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, इसके डायगोनल क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये डायगोनल है सी और बी डी, यहाँ ओ पॉइंट होगा, यानी कि ओ ई किसके बराबर हुआ ओ सी की, और ओ बी किसके इक्वल हुआ, और देखिए यहां लिख दो एज वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसका मतलब OE किसके बराबर हुआ OC के, और OB किसके बराबर हुआ OD के, यानी कि O किसका मिड पॉइंट है AC का,
और ओ किसका मिड पॉइंट है, बी डी का। हम इसके अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ऐसे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी कि जो एसी का जो मिड पॉइंट है वही किसका मिड पॉइंट है, बीडी का। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, यानी कि इसके एसी का मिड पॉइंट है ओ और बीडी का भी मिड पॉइंट ओ, तो इसका ओ के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू एसी के तरह, वन प्लस में एक्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वन प्लस एक्स वाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, टू प्लस सिक्स, टू प्लस सिक्स अपॉन टू, यानी कि ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ एसी की कोऑर्डिनेट। अब ओ मिड पॉइंट है बीडी का, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू, यानी कि थ्री प्लस में कितना हो गया, और एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और वाई वन प्लस वाई टू, वाई प्लस वाई और अपॉन में। अब एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर रख दो और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी कि व्हेन द टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया। दिस इंप्लाई दैट वन प्लस एक्स बाई टू को इसके बराबर रख दो, थ्री प्लस फोर बाई टू के बराबर रख दो, और टू प्लस सिक्स अपॉन टू को किसके बराबर रख दो, वाई प्लस y अपॉन टू के बराबर रख दो। तो आपके पास आ जाएगा ये, यानी कि वन प्लस एक्स बाई टू इजक्वल टू सेवन बाई टू आ गया, दो से दो कैंसिल हो गया, वन प्लस एक्स इजक्वल टू सेवन और x की वैल्यू सेवन माइनस वन, तो x की वैल्यू क्या आ गई, सिक्स आ गई। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, बात समझ में आई, x की वैल्यू सिक्स आ गई, y की वैल्यू और निकाल दिए, यानी कि यहां से दो से दो कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस सिक्स कितना हो गया, 8, 5 प्लस वाई। अब इस y को इधर लाओ या 5 को इधर ले आओ, 8 माइनस फाइव इजिकल टू वाई, तीन बज गया, देयरफॉर y इजिकल टू थ्री। क्वेश्चन में फिर देख ली यहां से एक बार, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स बाई टू आ गया और यहां पर 2 प्लस सिक्स बाई टू, ऐसे मिड पॉइंट है तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 प्लस फोर बाई टू और 5 प्लस वाई बाई टू। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर रख दिया और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो 1 प्लस x बाई टू को 3 प्लस 4 बाई टू के बराबर रखा, ये 7 बाई टू हो गया, दो से दो कैंसिल हो गया, 1 प्लस x इक्वल टू 7, x की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही 2 प्लस 6 बाई टू इसको इसके बराबर रख दिया, तो यहाँ पर दो से दो कैंसिल हो गया, 8 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई, अब 5 इधर लिया, 3 बज गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि आपको x कोऑर्डिनेट को x के बराबर रखना है, y को y के बराबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हूज सेंटर इज 2 माइनस 3 एंड B इज 1 4। देखिए ये सर्कल है आपका, ये सेंटर पॉइंट है, AB इसका क्या एक डायमीटर है, ये इसका सेंटर है मान लो O, और सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2 और माइनस 3, 2 और माइनस 3, और बी बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 और 4, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए के, इसके एक्स वन और वाई वन, या एक्स और वाई कुछ भी मान सकते हो, इसको एक्स और वाई मान लिया। लेट सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ए आर एक्स वाई मान लिया हमने। अब ए बी डायमीटर सर्कल का, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए बी क्या डायमीटर ऑफ ए सर्कल का, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इसका मतलब ओ सेंटर है एंड ओ इज ए सेंटर, यानी कि दिस इंप्लाई दैट ओ इज द, यानी कि दोनों बराबर हो गए, ओ ही किसके बराबर होगा, ओ बी के, तो दिस इंप्लाई दैट ओ इज द
मिड पॉइंट, वो इज द मिड पॉइंट, इसका है मिड पॉइंट ये ए बी का है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके पहले एक्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताया था आपको, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 + x2/2। अब एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, इसका सेंटर का 2 है, यहां तो 2 रख दो। अब x1 की जगह x रख दो, प्लस यहां पर कितना रख दो 4, 1/4 था इसके कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 1 और अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, यहां पर इसके नीचे 1 है तो दिस इंप्लाई दैट x + 1 = 4 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या हो गया y1 + y2/2 और y कोऑर्डिनेट की जगह -3, y1 की जगह कितना देखिए यहां पर y और यहां पर कितना है 4, y2 जगह 4 अपॉन में 2, तो दिस इंप्लाई दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y + 4 = -6 और y की वैल्यू -6 और ये 4 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई -10 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो x और y की वैल्यू आ गई, हमने a के कोऑर्डिनेट क्या सेलेक्ट किए थे, a और x और y, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट a के, r 3 और -10, ये a के कोऑर्डिनेट आ गए 3 और -10। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, देखिए इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड बी का है -2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी बनाते हैं, ये ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट कितने -2 और -2 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -4, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट है। अब P यहां पर लाई कर रहा है, अब सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AP। अब इसको हम कैसे सोल्व कर रहे, इसके कोऑर्डिनेट XY मान लो, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR क्या मान ले, X और Y मान लेते हैं, XY यानी कि P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए एंड दैट इज PXY। ये आपका यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है इसका। उसके बाद में एक P किसके इक्वल दे रखा है 3/7 ऑफ AB के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7AP हो गया इक्वल टू 3AB, 7AP इक्वल टू 3AB की जगह ब्रेक कर दो AP + PB। अब 7AP इक्वल टू 3AP + 3PB, अब AP को एक तरफ कर लो 7AP - 3AP इक्वल टू 3PB, 4AP आ गए, 3PB बच गए इधर, अब ये आ गए AP / PB इक्वल टू 3/4, यानी कि ये रेशियो आ गए AP = PB 3:4, ये तो आपका रेशियो आ गया, यानी कि 3 और ये 4। अब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, P की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब x कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, x = m1 x2, देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि 3 × 2 प्लस m2 कितना है 4 × -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके पास अपॉन m1 + m2 3 + 4 यानी कि 6 - 8/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2/7,
ऐसे y कोऑर्डिनेट यूज कर लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y की वैल्यू आ गई m1 y2, 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 को माइनस 2 से का अपॉन 3 प्लस 4, y की वैल्यू आ गई माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 20 बाई 7, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी आर क्या आ गए, माइनस टू बाई सेवन, इसका माइनस टू बाई सेवन, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस ट्वेंटी बाई सेवन, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पहले जैसा ही क्वेश्चन है आ चुका है पहले, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, हमें एरिया निकालना है रोम्बस का। इफ इट वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5 माइनस 1, 4 एंड माइनस 2 माइनस 1 टेकन इन ऑर्डर, आपका एबीसीडी रोम्बस है, इस रोम्बस का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का आपको पता है कि दो फॉर्मूले होते हैं, या तो बेस इंटू हाइट होता है या हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल। अब बेस इंटू हाइट निकालें तो बेस और हाइट, यानी कि हाइट भी हमारे पास नहीं है, बेस आ सकता है, मान लो भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, परंतु तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल लेंगे फिर हाइट निकलेगी। तो इससे बेटर है हम ये वाला फॉर्मूला लगा लें, एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। तो ये निकालने के लिए अब हमें डायगनल पता होना चाहिए। अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस पहले AC निकालो, AC तो AC ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 होल का स्क्वायर, ये माइनस 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी 16 तो रूट 32 हो गया। रूट 32 को 4 रूट 2 ले सकते हैं, 4 4 जब 16 और इंटू 32 यानी कि 4 बार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 रूट 2 आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे निकल गया, बीडी भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 2 माइनस 4 होल का स्क्वायर, और y2 ये x2 माइनस x1 हुआ, y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 5 होल का स्क्वायर, ये माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये भी 36 हो गया, 6 का स्क्वायर ये भी प्लस 36 यानी कि रूट 72 आ गया। अब रूट 72 को आप 6 रूट 2 ले सकते हैं, क्यों 6 से 32 और 72 से 12 आ गया, 6 रूट 2 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ गया बीडी। अब एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, अब प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, अब हाफ एसी इनटू बीडी, एसी के लिए 4 रूट 2 रख देते हैं, ये ना 4 रूट 2, एसी आपने निकाला 4 रूट 2 और बीडी कितना निकाला 6 रूट 2, ये 6 रूट 2 रख दिया, तो हाफ इनटू में 4 इनटू 6 और 2 2 जा और रूट 4 आ गया। अब ये 2 2 जा 4 2 आ गया इनटू 6 और 4 का रूट 2 आया, यानी कि 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 यूनिट स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। समझ में आया ये कैसे निकाला हमने, एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं। इसके अंदर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस मैंने आपको बताया कि अब हम दो तरह से एरिया निकाल सकते हैं रोम्बस का, एक तो हम निकाल सकते हैं इसका हाफ बेस इनटू हाइट और दूसरा हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसके अंदर, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल वाला यूज किया है। पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके एसी निकाला, फिर आपने एसी ये निकाल दिया 4 रूट 2, फिर हमने बीडी निकाला 6 रूट 2 आया, एरिया ऑफ रोम्बस हो गया हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल, एसी और बीडी की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई करके ये 24 यूनिट स्क्वायर आ गया। तो आपका ये एक्सरसाइज 7.2 खत्म हुआ, कल हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।